हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि माइनक्राफ्ट का एनिमेशन कैसे बनाए। उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल पे भाई 2K सब्सक्राइबर करवा दिए, तो इसके लिए यार थैंक्स। और इस वीडियो पे भाई गोल है भाई 20 लाइक्स का, तो शायद करा दोगे। और भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, पहले आप लोगों को मेडिबैंक पेंट ओपन कर लेना है और फिर प्लस के आइकन पर। ये मेरा माइनक्राफ्ट का स्किन इंपोर्ट हो गया और आप लोगों को अपने इस माइनक्राफ्ट के स्किन पर टैप करना है और यहाँ पे कैनवस सेटिंग पे टैप कर लेना है। और भाई आप लोगों को इमेज साइज पर टैप करके आप लोगों को 4096 सिलेक्ट करके आप लोगों को स्किन इनपुट जेपीजी ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके आप लोगों को स्किन सेव कर लेना है। और भाई आप लोगों का स्किन सेव हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों को अपना प्रिस्मा 3D ओपन कर लेना है। और कोई भी रिंग भाई अपने प्रिस्मा 3D में भाई इंपोर्ट कर लेना है। और इंपोर्ट हो जाने के बाद आप लोग भाई उस पर टैप करना है और प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। और जो भी भाई आपका माइनक्राफ्ट का स्किन होगा वो भाई आप लोगों को इंपोर्ट कर लेना है। तो भाई मेरा माइनक्राफ्ट का स्किन इंपोर्ट हो गया और ये वाला हेड भाई मैं अपने स्किन पे लगा लेता हूँ, क्योंकि भाई वो वाला हेड मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि भाई वो 3D था और भाई ये 2D है, क्योंकि भाई मुझे 2D रिंग अच्छा लगता है। तो भाई इसीलिए मैंने भाई उस हेड को हटा दिया। और आप लोगों को भाई यहाँ पे ये सर्कल होगा भाई, वहाँ पर टैप कर देना है। तो भाई मैं इसको स्किप कर देता हूँ और भाई आप लोगों को भाई सर्कल पर टैप कर लेना है और जिससे आप लोग एनिमेशन कर सको और इससे आप लोग मॉडलिंग वगैरह कर सकते हो। तो भाई मैं छोटा सा एनिमेशन बना के आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों को भाई जो भी बोन को भाई एनिमेट करना होगा भाई उस पर आपको टैप करके भाई लॉक कर लेना है, ठीक है। और ये देखो भाई मेरा एनिमेशन भाई बन ही गया। बनने के बाद आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस 3 लाइन्स पे टैप करना है और रेंडर पे क्लिक करना है। रेंडर पे क्लिक करने के बाद रिमूव वाटरमार्क कर देना और रेंडर हो जाए। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।